नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में टेंशन पीक पर है और दोनों देश युद्ध के कगार पर खड़े हैं। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो टेंशन और भी बढ़ गई है। इसका पता इस बात से चलता है कि हमास के अटैक के बाद उसका बदला एयर स्ट्राइक से लेने के बावजूद इजराइल का इरादा अभी गाजा पट्टी को और भी नुकसान पहुंचाने का है, क्योंकि इजराइल ने अपने सोल्जर्स गाजा पट्टी के आसपास मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे स्थिति गंभीर हो रही है, इसराइल पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसराइल के प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि जिस प्रकार मुस्लिम पॉपुलेशन और ज्यूइश पॉपुलेशन में क्लैशेस बढ़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसराइल में सिविल वॉर भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, इसराइल में 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए इंटरनल प्रेशर को काउंटर करने के लिए उन ट्रेंड यंगस्टर्स को इजराइल अपनी आर्मी में रीइंफोर्स कर रहा है। जहां तक बात है इंटरनेशनल प्रेशर या कहें कि एक्सटर्नल प्रेशर की, तो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड एक हो रहा है। मेनली दो देश जो इजराइल के खिलाफ खुल के सामने आए हैं, उनमें से एक है इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट JF-17 होल्डर और दूसरा ऑटोमन एम्पायर। अगर कम रिस्पेक्ट में बोलें तो पाकिस्तान और टर्की ही दो ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं जो खुलके इसराइल का विरोध कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के मेंबर्स को इसराइल के खिलाफ करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के बीच फोन कॉल पे कन्वर्सेशन हुई है। इन दोनों लीडर्स ने आपस में अपने व्यूज शेयर किए कि जिस तरीके से इसराइल ने अल अक्सा मॉस्क पर अटैक किया है और गाजा स्ट्रिप पे बॉम्बिंग की है, हमें इसराइल पे प्रेशर बिल्डअप करना होगा, पैलेस्टाइन का पूरा साथ देना होगा और यूनाइटेड नेशंस में यह मुद्दा ले जाना होगा। प्रेसिडेंट अर्दोगान ने पुतिन को भी कॉल किया और कहा कि अब इसराइल को सबक सिखाना होगा। जहां तक रसिया की बात है तो पुतिन ने कहा है अब इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच डी एस्केलेशन होना चाहिए और वॉर आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अगर चाइना की बात करें तो यह भी इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। चाइना चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस में एक रिजोल्यूशन आए अगेंस्ट इसराइल ऑन इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप यह पूछें कि चाइना और टर्की पैलेस्टाइन का साथ क्यों दे रहे हैं, तो मैं आपको यह बता दूं कि चाइना पलस्तीन का साथ ना देकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है, क्योंकि चाइना यह बात अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान इसराइल को अपना दुश्मन मानता है, इसीलिए वह पाकिस्तान का साथ देकर उसकी नज़रों में दोस्त बना रहना चाहता है, ताकि वह पाकिस्तान की लार्ज मिलिट्री नीड्स और बिलियंस के डील्स खो ना दे। और जहां तक बात है टर्की की, तो टर्की अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर साबित करना चाहता है, इसीलिए वह हर उस कॉन्फ्लिक्ट में कूदना चाहता है जिसमें कोई मुस्लिम नेशन इन्वॉल्व हो। इन सभी देशों के अलावा एक ऐसा देश भी है जो कुछ हद तक इसराइल के साथ खड़ा है और वो देश है अमेरिका। हाल ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह स्टेटमेंट दी थी कि इसराइल हैज राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो इस स्टेटमेंट से यह माना जा रहा है कि US इसराइल का साथ दे सकता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया इसराइल और पैलेस्टाइन के इशू को लेकर बिल्कुल न्यूट्रल है। वह यह मानता है कि इसराइल और पैलेस्टाइन का यह इशू उनका इंटरनल मैटर है। मगर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से कि क्या इंडिया को इसराइल का साथ देना चाहिए और क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसराइल को पैलेस्टाइन के सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। मैं समीर तिवारी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।